प्राकृतिक आपदा में कोई राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने वायनाड को अपनी प्राथमिकता में रख करके एक अच्छा संदेश दिया है। वो वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित कर दे। समझ में नहीं आ रहा है कि 100 ग्राम यदि उसके बाली भी मुंडवा दिए जाते तो 100 ग्राम तो बाली हो जाएंगे, है? थोड़े कपड़े और छोटे कर दिए जाते तो 100 ग्राम वजन तो उससे कंट्रोल हो जाता। कहीं कहीं कुछ ऐसा है जो संदेह पैदा करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि वायनाड का हाल केदारनाथ से कुछ कम नहीं था, वहां अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री वायनाड के भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, जिससे वहां के लोगों की मदद हो सके। साथ ही हरीश रावत ने विनेश फोगाट के फाइनल में डिसक्वालीफाई होने को लेकर कहा कि इसमें एक षड्यंत्र तो दिख रहा है, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से कोई फाइनल बाहर कैसे हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। देखिए, वायनाड का जो मामला है एक प्राकृतिक आपदा का है, और प्राकृतिक आपदा में कोई राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने वायनाड को अपनी प्राथमिकता में रख करके एक अच्छा संदेश दिया है, और ये संदेश और गहरा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा यदि वो वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित कर दे। और वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से दिखा रहे मरवाड़ी को, वो केदारनाथ से बढ़ करके वहाँ स्थितियाँ हैं खराब। मैं ये बात अलग है, केदारनाथ में हजारों की संख्या में मर गए, लेकिन वहाँ जो है जो फैलाव है डिजास्टर का वो बड़ा गहरा और बड़ा व्यापक है। एक षड्यंत्र तो लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ है समझ में नहीं आ रहा है कि 100 ग्राम यदि उसके बाली भी मुंडवा दिए जाते तो 100 ग्राम तो बाली हो जाएंगे, है? थोड़े कपड़े और छोटे कर दिए जाते तो 100 ग्राम वजन तो उससे कंट्रोल हो जाता है। और फिर यदि ऐसी स्थिति थी तो उनको बाउट के लिए भेजना नहीं चाहिए था। यदि वो बाउट के लिए नहीं जाती, सिल्वर पक्का हो जाता। कहते थे बीमार है, नहीं लड़ सकती, अलग हट जाती। अब हमको एक फोरम में जाना पड़ रहा है और अपील करनी पड़ रही है, तो इसलिए देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसा है जो संदेह पैदा करता है। मगर सरकार को चाहिए कि पूरी शक्ति से लड़ा जाए, और शीर्ष स्तर से ओलंपिक एसोसिएशन के शीर्ष स्तर पर भी बातचीत होनी चाहिए कि कम से कम जो बाउट उसने जीता है, जिस श्रेणी का भी जीता है, चाहे ब्रॉन्ज के लायक जीता है तो ब्रॉन्ज, सिल्वर के लायक जीता है सिल्वर, वो तो मिलना चाहिए ना, उससे उसको क्यों वंचित कर रहे हैं आप? उसमें तो वो पात्र थी, इसीलिए तो लड़ पाई, तो उसमें तो ओवरवेट नहीं थी। ओवरवेट जिसके लिए हुआ तो सजा जो है ये तो इस तरीके से हुआ कि गलती मैं आज करूं और मुझको सजा मेरे कल के लिए भी दी जाए, तो कल उसके लिए बीते हुए कल के लिए तो सजा नहीं दी जा सकती है।